दोस्तों मैं भी खास बोली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग एक प्री मैच एनालिसिस लेके। दोस्तों जो प्री मैच एनालिसिस लेके आया वो एटीपी फाइनल्स का फाइनल्स खेलने जा रहा है, टूरिन का फाइनल मैच है और टेनिस टूर्नामेंट 2023 सीजन का एंड, और 2023 सीजन का एंड होगा फिर फिनाले मैच में, और उसमें खेलेंगे नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग नंबर 8 वर्सेस एटीपी रैंकिंग नंबर 4 कास्पर रूड। और जो मैच होने वाला है वो शानदार मैच होने वाला है क्योंकि ये फाइनल्स का मैच है। दोस्तों प्री मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले यार बता देता हूँ, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो ताकि अपडेट्स ताकि तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों अब बढ़ते हैं प्री मैच एनालिसिस में, पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड के बाद बराबरी कर लेते हैं। इस बार हेड टू हेड रिकॉर्ड जोकोविच का जो रहा है कास्पर के खिलाफ वो 3-0 रहा, 3 मैच जोकोविच जीते हैं और कास्पर 0 जीते हैं, तो देखा जाए 100% रिकॉर्ड रहा कास्पर के खिलाफ। इस साल एक मीटिंग हुई थी रोम में और रोम में जो मीटिंग हुई थी वो नोवाक जोकोविच जीते थे। इससे पहले दो मीटिंग और हो चुकी हैं, एक हुई है एटीपी टर्न 2021 के 21 में हुई थी फाइनल्स में, तब भी नोवाक जोकोविच ने जीते थे, और उससे पहले जो हुआ था तब भी रोम इटली में हुआ था तब भी नोवाक जोकोविच ही जीते थे। तो एक बार नोवाक जोकोविच रोम इटली में जीते हैं, एक बार एटीपी फाइनल में जीते हैं और एक बार रोम इटली में जीते हैं, तो टोटल 2 बार रोम इटली में, 1 एटीपी फाइनल में, और एटीपी फाइनल में फिर से मैच होने वाला है दोस्तों। तो अब कुछ भी हो सकता है, बढ़िया प्रदर्शन करना चाहेंगे कास्पर रूड तो बढ़िया प्रदर्शन कर ही रहे हैं, बट वो बड़ी टाइटल नहीं जीते हैं। अब उनको ये याद करना होगा भाई कि अब बड़ी टाइटल जीतनी है, पिछली बार वो बड़ी टाइटल नहीं जीत पाए थे जब वो फ्रेंच ओपन में प्लेयर खेल रहे थे, और इस बार चाहेंगे यार बड़ी टाइटल जीतना। यूएस ओपन में भी अच्छा प्रदर्शन किया था बट यूएस ओपन में भी बड़ी टाइटल नहीं जीते थे, अब वो चाहेंगे यार फाइनल में आया हूँ तो बड़ी टाइटल जीते जाऊँ, क्योंकि ग्रैंड स्लैम के आगे इसके बाद ही बड़ी टाइटल आती है, और बड़ी टाइटल है निट्टो एटीपी फाइनल्स। निट्टो एटीपी फाइनल्स में 1500 पॉइंट है, वैसे 1500 पॉइंट सीधे कमुलेट नहीं होते, जैसे आप विन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर सारे जीते तो 1500 मिल जाते हैं, अगर सारे नहीं जीते तो उस हिसाब से कम भी मिल सकते हैं, जैसे एक राउंड रॉबिन में कम जीते हैं तो 1300 पॉइंट मिलेंगे, राउंड रॉबिन की 200 भी ना। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताएं क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो जोकोविच का पलड़ा ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू कास्पर रूड, और जोकोविच अगर जीत जाते हैं तो रॉजर फेडरर के 6th रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, 6 बार जीत जाएंगे रॉजर फेडरर के खिलाफ बराबरी कर देंगे दोस्तों। और कास्पर रूड चाहेंगे कि भाई एक बार तो मैं भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहूंगा ये सुनहरी अक्षरों में। क्या लगता है दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि जोकोविच का 60% और कास्पर रूड का 40% है, बट कास्पर रूड ने जिस तरह रूबलेव को हराया है तो ऐसे लग रहा है कि कास्पर रूड बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। और जोकोविच को देखा जाए रेस्ट भी प्रॉपर मिल गया, 24 आवर्स से ऊपर ही रेस्ट मिला, क्योंकि पिछला मैच टेलर फिट के खिलाफ लंबा जरूर चला था 2 घंटे तक, बट 2 सेट्स में ही खत्म किया था, और अभी उनको 24 घंटे से ज़्यादा रेस्ट मिल गई है, और देखा जाए कास्पर रूड को भी ज़्यादा ही रेस्ट मिली है, और उनके खिलाफ रेस्ट का इतना मामला गंभीर नहीं था एज कम्पेयर टू जोकोविच, तो मैच शानदार देखने को मिलेगा। होप कि 3 सेट्स तक जाए और टेनिस फैंस को मज़ा आ जाए एकदम। दोस्तों अभी के लिए चलता हूं, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।